तो इंडियन ऑथर्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर के नारायण, जिनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को और 13 मई 2001 को इनकी डेथ हो गई थी। इनका पूरा नाम था ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है बिकॉज ही वॉज द लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इनकी अधिकतर कहानियों में साउथ इंडिया का एक फिक्शनल टाउन होता था मालगुड़ी। आपने नाम सुना होगा मालगुड़ी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी और उसके दोस्त। तो आर के नारायण फिक्शन, नॉन फिक्शन और मिथ वगैरह लिखा करते थे। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण, जिनकी 2015 में अभी डेथ हुई थी। वो इनके ब्रदर थे, इनके भाई थे। आर के नारायण और आर के लक्ष्मण दोनों भाई थे। आर के नारायण अपने वर्क्स में अपने कैरेक्टर्स की रोजमर्रा की जिंदगी को हाईलाइट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मालगुड़ी डेज की कहानियों में स्वामी और उसके दोस्तों की कहानी है, वो रोजमर्रा की जिंदगी की एक कहानी है। वैसे आपको यूट्यूब पे स्वामी एंड फ्रेंड्स की सीरीज मिल जाएगी। तो अपने 60 साल के करियर में नारायण को बहुत सारा ऑनर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इवन इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस राज्यसभा में भी उन्हें नॉमिनेट किया गया था। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नॉमिनेट करता है, कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो आर के नारायण को भी राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा चुका है। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं द गाइड 1958, द इंग्लिश टीचर 1945, द फिनेंशियल एक्सपर्ट 1952, मालगुड़ी की कहानियां 1942, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे 1947 और द डार्क रूम 1938। नारायण ने अपने करियर में वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स जीते, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे पहला मेजर अवार्ड मिला था 1958 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनकी बुक द गाइड के लिए। और जब उनकी इस बुक द गाइड पर फिल्म बनी तो उन्हें बेस्ट स्टोरी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1964 में रिपब्लिक डे पर इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1980 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की तरफ से इन्हें बेंसन मेडल भी मिला। 1982 में इन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का एक सम्मानित मेंबर चुना गया और इसके अलावा कई बार इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन अफसोस वो इन्हें नहीं मिल पाया। और अपनी डेथ के एक साल पहले यानी सन 2000 में इन्हें इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी पद्म विभूषण, जी हाँ पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थी आर के नारायण की कुछ हिस्ट्री। अब इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गाइड। तो मैंने आपको बताया था आर के नारायण द फेमस राइटर एंड ब्रदर ऑफ द कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण। द बुक द गाइड वॉज रिटन बाय आर के नारायण। इस बुक के लिए इनको फिल्म फेयर का बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी मिल चुका है, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, वेन वॉज आर के नारायण अवार्डेड विथ पद्म भूषण। आर के नारायण को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 1964 में, और 1958 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज आर के नारायण अवार्डेड विथ पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आर के नारायण को कब मिला? अभी अभी मैंने आपको बताया द ईयर 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मालगुड़ी डेज ऑल अबाउट। ये मालगुड़ी डेज किस बारे में है, क्या है ये मालगुड़ी डेज? तो इसका जवाब होगा, मालगुड़ी डेज इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय आर के नारायण पब्लिश्ड इन 1943 बाय इंडियन थॉट पब्लिकेशंस। द बुक वाज रीपब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया इन 1982 बाय पेंगुइन क्लासिक्स। द बुक इंक्लूड्स 32 स्टोरीज ऑल सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी लोकेटेड इन साउथ इंडिया। तो मालगुड़ी डेज जो है वो आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है जिसे 1943 में पहली बार और 1982 में दूसरी बार पब्लिश करवाया गया, और इसमें लगभग 32 स्टोरीज हैं।
तो आज के हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यह है कि व्हेन आर के नारायण पास्ड अवे, आर के नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जवाब होगा द ग्रेट स्टोरी टेलर पास्ड अवे ऑन May 13, 2001 एट द एज ऑफ 94। 13 मई 2001 को 94 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।